दीपक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और निवृत्ति मोटकरी परिवार का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट थ्री लीव्स, ऊंची जीवन शैली का ऊंचा आनंद। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9823339180। गोदावरी नदी स्वच्छतेचा संकल्प घेऊन देशभरातील 200 अधिक साधू महंत नाशिक मधून गोदावरी परिक्रमेस निघाले। आज 12 दिवसानंतर ही गोदावरी परिक्रमा पूर्ण झाली आहे। या निमित्ताने नाशिक शहरातील टिळकवाडी परिसरामध्ये काल बुधवारी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। महाराज श्री स्वामी माधवाचार्य महाराजांच्या नेतृत्वाखाली उगम ते संगम अशी गोदावरी परिक्रमेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। ही परिक्रमा आज पूर्ण झाली आहे। या निमित्ताने काल परिक्रमेच्या 11 दिवशी निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या निवासस्थानी ही यात्रा दाखल झाली। या ठिकाणी असलेल्या श्री दत्त मंदिर आणि श्री हनुमान मंदिर येथे आरती करण्यात आली। त्यानंतर साधू महंत आणि परिसरातील नागरिकांसाठी महाप्रसादाचं देखील आयोजन करण्यात आलं। गोदावरी स्वच्छतेसाठी तसेच गोदावरीचे महत्व जगाला अधोरेखित करण्यासाठी साधू महंतांची ही परिक्रमा यात्रा आज पूर्ण होते। परमाध्यक्ष श्री तिलाद्वार गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री श्री महंत माधवाचार्यजी महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली श्री महंत रामकृष्णदासजी महाराज, श्री महंत ब्रजमोहनदासजी महाराज, श्री महंत सीतारामदासजी महाराज, श्री महंत भक्तिचरणदासजी महाराज, स्वामी संविधानंद सरस्वती महाराज, श्री महंत रामप्रवेशदासजी गोपाल महाराज, श्री महंत हरिओमदासजी महाराज, श्री महंत जगदीशदासजी महाराज, श्री महंत काशीदासजी महाराज, श्री महंत पूर्णचंद्रदासजी महाराज, श्री महंत महावीरदासजी महाराज, श्री महंत देविका नंदनदासजी महाराज, श्री महंत हरिदासजी महाराज, श्री महंत सीतारामदासजी महाराज, श्री महंत गोपालदासजी महाराज, श्री महंत पायगुरुदासजी महाराज, श्री महंत जगदीशदासजी महाराज चित्रकूट, श्री महंत कृपा सिंधू दासजी महाराज यांच्यासह 200 अधिक संत महंतांनी ही परिक्रमा पूर्ण केली। याबाबत महंतांनी याचं महत्व विशद केलं। माता गोदावरी परिक्रमा के लिए हम लोग 200 संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य सभी मिलकर की परिक्रमा के परिक्रमा तो बहुत कठिन था, लेकिन हम लोग तो अच्छा से प्रेम से बड़ी सुंदर भावना से कर लिए, कोई तकलीफ नहीं पड़ा और आज संपूर्ण हो गया। 11 दिन आज हो गया, 11 दिन आज हमारा पूरा हो जाएगा। कल जय संकल्प पूरा करेंगे, परिक्रमा पूरा हो जाएगा। आज बड़े आनंद अनुभव हम लोग कर रहे हैं। माँ गोदावरी की तट पर हम लोग निवास करते हैं, लेकिन माँ गोदावरी की जो महिमा किसी को पता नहीं था। आज हम लोग की महाराज की अध्यक्षता में यानी कुशावर्तन हम लोग संकल्प करके गोदावरी की परिक्रमा शुरू किए। आज 11वां दिवस में हम लोग ये परिक्रमा समाप्त किए, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये पंडिचेरी थोड़ा सा लगता है, जिसकी हम लोग यात्रा परिक्रमा करके आए। हमारे साथ में 150 से 200 संत थे जो 14 प्रांत से आए थे। खाली महाराष्ट्र तो नहीं, 14 प्रांत से संत महंत आए थे। तो ये गोदावरी परिक्रमा बड़े अविस्मरणीय, मतलब एक अलग अलग अनुभूति आया है। जब हम लोग समुद्र में पार किए उसके और कुछ अनुभूति आया है। गोदावरी के जल और समुद्र जल कहीं मिलता नहीं, अलग अलग दिखाई देता है, बहुत बहुत अलग अलग अनुभूति आया। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि गोदावरी की जो परिक्रमा जैसे नर्मदा जी करते हैं, ऐसे गोदावरी की परिक्रमा करने के लिए सभी लोग आइए। हम लोग की उद्देश्य है सनातन धर्म के प्रचार करना है और गोदावरी की महिमा को सब जगह प्रचार करना, ये उद्देश्य में। मेरा नाम पांत हरिओमदास, राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ। हम लोगों ने महाराज अपने टीला दारा का अध्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट श्री स्वामी माधवाचार्य जी के नेतृत्व में लगभग 13-14 प्रदेशों के संत मिलकर के और गोदावरी माता की परिक्रमा की है। गोदावरी हमारे मन के पाप को तो धोती है, साथ साथ में हमारे लिए महाराष्ट्रवासियों के लिए तेलंगाना के लिए एक जीवन रेखा है। उसकी सिंचाई से, उसके माध्यम से लोगों का जीवन यापन होता है। तो ऐसी पवित्र नदी को किसी प्रकार से हमें दूषित नहीं करना चाहिए। हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि जो लोग पहले करते थे यात्रा वो भूल गए हैं, उसको पुनः प्रारंभ किया जाए। और दूसरा, इसके किनारे पर निवास करने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि नदी में किसी प्रकार की कोई गंदगी, कचरा या गंदा पानी वगैरह उसमें नहीं रहे।
टिळकवाडी येथे सर्व साधू महंतांनी सर्वांना भरभरून आशीर्वाद दिले, तसेच सर्वांनी प्रसादाचे ग्रहण केले. यावेळी मोठ्या संख्येने दत्तभक्त मंडळ टिळकवाडी सकल हिंदू समाज नाशिक हजर होते. नाईन न्यूज महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी अजिज सय्यद.